हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकर सिटी किचन। आज मैं आपको व्हीट ब्रेड का हलवा बनाने की रेसिपी बताऊंगी। हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 4 व्हीट ब्रेड के स्लाइसेस, 4 बड़े चम्मच चीनी, थोड़ी सी किशमिश, 4 बड़े चम्मच देसी घी, थोड़े से काजू और 1 कप पानी। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड के किनारे काटकर अलग कर लेंगे। इस तरह से, और ब्रेड के टुकड़े काट लेंगे। ब्रेड के इस तरह से टुकड़े काट लिए हैं, अब हम हलवा बनाएंगे। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम घी को गरम करेंगे। घी गरम हो गया है, अब इस घी में हम काजू और किशमिश को हल्का सा फ्राई करेंगे। काजू और किशमिश फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम इन ब्रेड के टुकड़ों को इस तरह से रखेंगे और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये ब्रेड को पलटेंगे इस तरह से और दोनों साइड से गोल्डन करेंगे। ब्रेड गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इस सारी ब्रेड को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम डालेंगे 1 कप पानी, चीनी और हाई फ्लेम पर इसे 1 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। पानी बॉयल हो गया है, इसकी हमने चाशनी नहीं बनानी है, बस इसी तरह से मीठे पानी को बॉयल करना है। पानी बॉयल हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे ये ब्रेड। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और इस ब्रेड को हम इस तरह से लगातार चलाते हुए मैश करेंगे। ब्रेड को आप इस तरह पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। देखिए, ब्रेड मैश हो गई है, अब इस हलवे को लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे। हलवे को तब तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि इसका घी अलग ना हो जाए। हलवे से घी अलग होना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे ये फ्राई किए हुए काजू और किशमिश और हलवे को फिर से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। हलवा बनकर तैयार है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और हलवा सर्व करेंगे। व्हीट ब्रेड का हलवा सर्व करने के लिए तैयार है। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड या अपने मनपसंद किसी भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हलवे में चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आप चाहे तो वाइट शुगर की जगह आप ब्राउन शुगर या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी इस हलवे को ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स और सजेशंस भी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।